हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई एम न्यूरू, योर इंग्लिश टीचर। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट लेसन, विच इज़ द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो डियर स्टूडेंट, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन है वो कैसा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये लेसन है जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, इसमें क्या है कि जो उसकी मेन कैरेक्टर है जिसका नेम है केजिया, तो इसमें केजिया के थ्रू बताया गया है कि एक पेरेंट्स का, एक फादर का और उसके बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है। तो स्टूडेंट ये देखिए, जब हम छोटे होते हैं हम लोग क्या है, कई बार बहुत गलतियां करते हैं, तो हमें क्या है कि पेरेंट्स द्वारा डांटा जाता है। तो कई बार क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी मम्मी ने ये कहा, उसकी मम्मी अच्छी है, हमारे फादर बुरे हैं, हमें डांट लगाते हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते, हमें खेलने नहीं देते। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड के जो फादर है वो बहुत अच्छे हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, डांट भी नहीं लगाते। तो हम ये एक अपने आप में एक सोच बना लेते हैं और हम क्या है अंदर ही अंदर अपने पेरेंट्स से क्या है डरते रहते हैं, यूँ सोचते रहते हैं कि जब बाहर जाएंगे हम तब इन्जॉय करेंगे। तो लेकिन जब हम क्या होते हैं बच्चे, जब हम बड़े हो जाएंगे तब एक दिन हम रियलाइज़ करेंगे कि अगर उस दिन पापा ने मुझे डांट लगाई किसी भी घटना के लिए, उन्होंने मुझे मारा, तो उन्होंने सही किया। अगर उन्होंने उस दिन मुझे नहीं मारा होता तो शायद आज मैं किसी गलत लाइन में होता। बट ये बातें क्या है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, तब समझ में आएगी। बट जब तक हम जिस एज में हैं, छोटी एज में हैं, इस एज में क्या है कि हम अपने पेरेंट्स को समझने में कई बार क्या गलती कर बैठते हैं। वो हमें हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, भलाई के लिए डिसिप्लिन करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे डिसिप्लिन वाली लाइफ को जिए। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए हर चीज़ सोच रखी होती है। बट वहाँ पे हम क्या सोचते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे पे रोक टोक करते हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं, तो हम काश हमारे पापा होते ही नहीं, काश मम्मी होती नहीं, काश वो बाहर होते, हम ये सोचते रहते हैं। हमारा 10th में एक लेसन है इसी के ऊपर आएगा, उसमें भी जो उसकी मेन करेक्टर है तो वो यही सोचती है कि काश कि मैं भी क्या होती, एक रिपुंजल होती और मेरे जो है पेरेंट्स नहीं होते, मैं ऑर्फन होती। मीन्स मैं ऑर्फन मतलब कि मैं अनाथ होती। तो ऑलमोस्ट जो राइटर है इस टॉपिक पे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हुए ही क्यों हैं, काश हमारे पेरेंट्स नहीं होते। वो जो पेरेंट्स जो हैं, जो हमारी केयर करते हैं, वो उस केयर को क्या रोक टोक का नाम दे देते हैं बच्चे। बट बच्चे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब इन दिनों क्या लॉकडाउन चल रहा है, अब पेरेंट्स क्या कहते हैं हमें, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना, अंदर बैठ के पढ़ो, तो हमें क्या वो हमारी चिंता करते हैं, केयर करते हैं। बट हम क्या समझते हैं उसे कि वो रोक टोक कर रहे हैं, हमें दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देते हैं, ऑल टाइम कहते हैं पढ़ो, बट वो अब क्या आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि बाहर नहीं जाएं, तो इसलिए हम उसे क्या कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो ऐसे इस लेसन में जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत अधिक डरती है। उसके जो फादर एक डिसिप्लिन इंसान है, तो वो चाहते हैं कि उसकी बेटी भी उसी तरह से चले। तो वो अपनी बेटी को जो है थोड़ा सा डांट लगाते हैं तो उससे गुस्सा आता है कि पापा जो है अगर मेरे फादर चले जाएंगे, वो तब रिलीफ की सांस लेती है, तब रिलीफ महसूस करती है। जैसे उसके फादर घर आ जाते हैं तो वो एकदम से सहमी सहमी हो जाती है और उसे लगता है कि जिसके फादर एक लुक लाइक अ जायंट जैसे हैं, जायंट यानी कि राक्षस जैसे लगते हैं, उसकी बड़ी बड़े हाथ, बड़ा बड़ा फेस, तो उसे अपने फादर का जो अपीयरेंस है वो भी बिल्कुल जायंट जैसा लगता है। तो वो समझती है कि काश मेरे फादर होते ही नहीं। इस लेसन में एक ऐसी घटना घट जाती है केजिया से कि उसको पिटाई लग जाती है, पिटाई हो जाती है, तो कहते कि काश जो गॉड है, गॉड ने फादर बनाए ही क्यों है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट कि केजिया जो है रियलाइज़ कर जाती है, उसे महसूस हो जाता है कि जो मेरे फादर हैं एक्चुअली ये जो बाहर से इतने हार्ड दिखते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये मेरी केयर करते हैं। लेकिन वो महसूस कर लेती है, रियलाइज़ कर लेती है कि जो मेरे फादर है वो अपने लव को क्यों नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके पास क्या है काम का बर्डन होता है, वो ऑफिस से आते हैं टायर्ड होते आते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए वो इतना मुझे टाइम नहीं दे पाते, मेरे साथ नहीं खेल पाते। बट लास्ट में क्या है वो समझ जाती है। तो ऐसे ही कई बार हमारे पेरेंट्स से जो हो सकता है हमें टाइम नहीं देते हैं, तो वो ऐसा ही होता है कि फिर हमें हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स खेल नहीं रहे हैं, उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, बट वो क्या है कई बार काम के स्ट्रेस से हमारे साथ नहीं खेल पाते हैं। बट ऐसे में हमें उन्हें समझना चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं अब राइटर के बारे में। कैथरीन मैंसफील्ड मरे, जिनका बॉर्न 14 अक्टूबर 1888 से 9 जनवरी 1923 में इनका बॉर्न रहा है, वॉज ए प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड। शी रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री अंडर द पेन नेम कैथरीन मैंसफील्ड। पेन नेम का मतलब है कि इनका पूरा नाम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इनका पूरा नाम क्या है, कैथरीन मैंसफील्ड मरे, बट ये जो अपने जितने भी ये वर्क्स हैं उसमें अपना नाम जो है सिर्फ कैथरीन मैंसफील्ड यानी शॉर्ट नेम देती है, तो उसको कहते हैं कि इनका पेन नेम। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बच्चे उस चीज़ को कैसे समझ ले जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड द राइटर कैथरीन मैंसफील्ड वॉन्ट्स टू टेल अस दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट लेसन। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, आप इन्हें राइट कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, अगर एक दिन आप इनकी अच्छे से रीडिंग ले लेंगे, बहुत इजी है, आप कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट, टू नाउ लेट स्टार्ट। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। मतलब उसके जो फादर थे एवरी मॉर्निंग उसके रूम में जाते थे और उसे कैजुअल किस देते थे, और उसके बाद फिर उसे वो अपने फादर को रिस्पॉन्ड में गुड बाय बोलती थी। एंड ओह देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वैन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब उसके जो फादर थे, जब धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे फेंटर यानी धीरे धीरे हल्के हल्के आगे चले जाते थे, मीन्स घर से दूर चले जाते थे, तो वो चैन की सांस लेती थी कि चलो पापा जो है चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। इवनिंग में शाम के समय, संध्या के समय, जब वह स्टेयरकेस यानी जीने के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में उसकी ऊँची आवाज़ को सुना करती थी, मीन्स अपने फादर की आवाज़ को सुना करती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो बताती है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर, जो लड़की थी उसके लिए उसके जो फादर की फिगर थी, जो फादर की जो एक अपियरेंस थी, लुक थी, फिगर मीन्स फिगर टू बी फियर्ड यानी अ पर्सन टू बी फियर्ड, मतलब उसके फादर की जो अपियरेंस थी वो लड़की के लिए बिल्कुल एक डरावनी थी, वो डर जाती थी। उस छोटी सी लड़की के लिए वह भय उत्पन्न करने वाला और टाले जाने वाला व्यक्ति था। कौन? उसके फादर। मीन्स वो अपने फादर से बहुत अधिक डरती थी, तो उसे लगता था कि जिसके फादर का अपियरेंस है वो भी बहुत अधिक डरावना है। प्रतिदिन सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे चूमता, जिसके जवाब में वह पिताजी अलविदा कहा करती थी। और ओह उसे चैन की सांस आती थी जब वह उसकी गाड़ी का शोर लंबी सड़क पर धीरे धीरे हल्का होते हुए सुना करती थी। संध्या को जब वह घर आता, वह जीने के पास खड़ी हो जाती और हाल में उसकी हॉल जोन के जहाँ पे वो बैठते थे, हॉल में उसकी ऊँची आवाज़ को सुना करती थी। और मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, उसके फादर ऐसे बोलते थे। क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? येट। माँ जाओ और देखो कि क्या अखबार बाहर है, मुझे अपनी स्लीपर ला कर दो। तो वो इस तरह से ऑर्डर देते थे, तो उसके फादर जिस टाइप से ऑर्डर देते थे तो उसे डर जाती थी वो अपने फादर के इस ऑर्डर से। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राॅइंग रूम डोर। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड लुकड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे? आई डोंट नो फादर। ऐसे वो बोलती थी। माँ छोटी लड़की को आवाज़ लगाती थी, उसकी जो मदर थी आवाज़ लगाती थी, कॉल हर करती थी। यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के बूट को
खोल सकती हो। मीन्स वो कहती थी अपने फादर की जो बूट है उसको टेक ऑफ फादर्स बूट्स। धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती और हॉल में और धीरे धीरे और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का मारकर खोलती थी। लेकिन उस समय तक वह अपना चश्मा लगा लेता था जब तक वो आती थी एंड और उसकी ओर इस प्रकार से झांकता था, लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। मतलब वो अपनी बेटी को इस तरह से झांकता रहता था जिससे कि वो लड़की भयभीत हो जाया करती थी। अच्छा कीजिए, जल्दी करो, इन बूटों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या तुम आज अच्छी लड़की बन रही हो, उसके जो फादर उससे पूछते थे। तो वो कहती थी, पिताजी मैं नहीं जानती। वो डर जाती थी। यू डोंट नो इफ यू स्टटर, स्टटर होता है लड़खड़ा के, सॉरी मतलब कि हक ला करके बोलना, स्टटर, लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो अपनी बेटी को कहता है कि क्या तुम नहीं जानती हो, तो क्या है कि अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें क्या है डॉक्टर के पास ले जाएगी। तो वो उसको इस तरह से डरा रहा है भी, तुम्हें मेरे सामने हकलाना नहीं चाहिए। गिवन इट अप, स्टॉप डूइंग इट। रेच्ड होता है अनहैप्पी, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड। देखिए, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी मी टीक अप बैक टू द टेबल केयरफुली, ही वॉज सो बिग, हीज हैंड्स एंड हीज नेक स्पेशली हीज माउथ, वेन ही यार्ड होता है उबासी लेते हैं, तो उसको जब वो उबासी लेता था तो वैसे उसके केजिया को अपने फादर का जो अपीरेंस था बहुत बड़ा बड़ा लगता था, और जब वो यार्ड करता था तो वो और भी बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, वह समझती थी कि उसके जो फादर एक जायंट जैसे हैं। अन्य लोगों के सामने वह कभी भी नहीं हकलाती थी, सिर्फ किसके सामने हकलाती थी, अपने फादर के ही सामने। उसने हकलाना बंद कर दिया था लेकिन अपने पिताजी से बात करते समय वह हकलाती थी, क्योंकि तब वह शब्दों को उचित ढंग से बोलने की अधिक कोशिश किया करती थी। मींस जैसे घर में होती थी तो अपनी मदर से और ग्रैंड माँ से वो नॉर्मल बोलती थी, तो हकलाती नहीं थी क्योंकि वो विदाउट फियर बोलती थी। लेकिन जैसे उसके फादर आ जाते थे तो उसके अंदर एक डर आ जाता था, उस डर में वो वर्ड्स को थोड़ा और क्लियर ढंग से बोलना चाहती थी, बट उसके बदले क्या हो जाता था, वो एकदम से हकला कर बोलती थी। क्या बात है, तुम इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही हो, वो अपने उसके जो फादर है उसे पूछते हैं। माँ मैं चाहता हूँ कि, उसके जो फादर है अपनी मदर से कहते हैं कि तुम इस बच्ची को आत्महत्या की कगार पर न दिखने की शिक्षा दो। भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुसाइड करते हैं उस वजह से, मतलब इतनी डरी हुई लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा वहाँ से हटाएं, कुछ और अच्छी शिक्षा दें। यहाँ केजिया मेरी चाय का एक कप सावधानीपूर्वक टेबल पर लाओ। उसे पता है कि जो केजिया छोटी छोटी गलतियाँ करती है, तो उसे पहले से कह रहा है कि ध्यान से एक चाय का जो कप है मेरे पास लेकर आओ। वह इतना बड़ा था, इतना मतलब कि ही वॉज सो बिग, इतना बड़ा था कि हिज हैंड, उसके जो हैंड है, उसके जो नेक है, गर्दन है, विशेषकर उसका जो माउथ है, मुँह है, बहुत ही बड़ा था। और जब वह उबासी लेता था यार्ड, तो केवल उसके मुंह के बारे में सोचना, एक दैत्य के बारे में सोचना था। सिर्फ वो सोचती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि कोई दैत्य हो। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जैसे संडे का दिन था आफ्टरनून में, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि आपको अपने फादर और मदर से कुछ बातें करनी चाहिए, तो वह उसे ड्राइंग रूम में भेजती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो छोटी सी लड़की थी वो हमेशा क्या पाती थी जब वो ड्राइंग रूम में जाती थी, कि उसकी जो मदर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, कुछ भी बुक्स लगा लो, मैगजीन लगा लो, तो वो पढ़ रही होती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके जो फादर थे वो सोफे के ऊपर एकदम फैले ढंग से लेटे होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके फेस पर उनका हैंकरचीफ एंड उनका जो हैंकी था फेस पर ढका रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका एक जो फीट था, एक जो पाँव होता था, वो कुशन के ऊपर रहता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोर होता खराटे वाला, तो वो बहुत ही आवाज़ देकर और खराटों के साथ सो रहे होते थे उसके फादर।
She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare. सो केजिया, उसके जो फादर उसे कहते हैं कि इतनी ऐसे मुझे मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, एक छोटे आउल की तरह दिख रही हो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे आने वाला था. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का उसे बनाना चाहिए. रविवार को दोपहर बाद दादी माँ उसे उसके पिता और उसकी माँ से अच्छी बात करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग रूम में भेज दिया था, लेकिन छोटी लड़की सदैव अपनी माँ को पढ़ते हुए और फादर को सोफे पर लेटते हुए देखती थी. तो इस प्रकार जो थी उसके जो फादर थे, जब वो उसके ऊपर सोफे पर बैठे हुए लेटे होते थे, फैले हुए होते थे और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार के सोते रहते थे इस प्रकार. लेकिन जो है तो जब वह जाग जाता था, वह जागने जाता और फैलते हुए समय नहीं पूछता था कि जब वह उसकी ओर देखता था, मीन्स जब वो सो रहा होता था और उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी उसके रूम में, तो जब वो रूम में आती थी तो उसके फादर जो सोए हुए होते थे तो वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी और अपने फादर को गंभीरता से देखती रहती थी. अपने फादर को ग्रेवली तो गंभीरता से वॉचर देखती रहती थी अपने फादर को, जब तक कि वो जाग नहीं जाता था और वो क्या कि अपने पैर को फैलाए हुए समय नहीं पूछता था जब तक कि उसकी ओर देखता था. इस प्रकार मत घूरो, वो केजिया को कहता था कि मुझे ऐसे मत घूरो क्योंकि तुम मुझे छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो. एक दिन जब वह जुकाम यानी कोल्ड के कारण घर के अंदर थी, उसको कोल्ड हो रखा था, तो हर ग्रैंड मदर ने उसे बुलाया, उसे कहा, उसकी दादी माँ ने, कि आज तुम्हारे जो फादर है उसका जो बर्थडे आने वाला अगले सप्ताह, और मैं तुम्हें एक सजेस्ट करती हूँ. उसने उसको सुझाव दिया कि तुम्हें यू शुड मेक अ पिन कुशन, तुम्हें एक पिन कुशन यानी कुशन यानी तकिया बनाना चाहिए जो कि पीले रेशम के टुकड़े का बना हो. वो अपनी उसे कहती है, केजिया को कहती है कि अपने फादर के बर्थडे पे आप उसे गिफ्ट दोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. लेबरेसली होता है हार्ड वर्किंग, लेबरेसली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, के हाथ लॉ एफर्ट करना. वेंट इनटू बाय चांस, घूमना इधर उधर. स्टेप्स होते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ ए क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है. हुई एंड क्राई होता है एंग्री प्रोटेस्ट. तो इसमें देखिए लेबरेसली होती है भी बहुत अधिक मेहनत के साथ. लेबरेसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड, उसने बहुत मेहनत के साथ उसने एक डबल कॉटन का एक लिया, कवर लिया और उसको तीन तरफ से उसने उसको स्टिच कर लिया था. बट वट टू फिल इट विद, लेकिन अब वो सोचती है कि तीन तरफ से तो उसने उसे बंद कर लिया, अब इसके अंदर फील क्या करेगी कुशन के अंदर. That was a question. The grandmother was out in the garden. But grandmother जो थी गार्डन में बैठी हुई थी, वो कैसे पूछती. And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. वह मदर के रूम में गई स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए, भी कुछ उसमें फील करूँगी. On the bed table she discovered a great many sheet of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो उसने क्या देखा, अपनी मदर के बेडरूम में गई, वहाँ पे उसने स्क्रैप्स को ढूंढने की कोशिश की, तो उसने देखा बेड के पास एक टेबल थी, उस पर उसने डिस्कवर किया, उसे कुछ शीट मिली पेपर की जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी. उसने फटाफट उसको गैदर किया, उनको टोर किया, फाड़ा पीसेज में, टुकड़ों में, और जल्दी से उसके अंदर उसने स्टफ कर दिया, उसको भर दिया. दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को फिर घर में बहुत अधिक उसको जैसे शोर शराबे, जैसे उसको एक आवाज़ आई, उस रात एक शोर शराबे जैसी आवाज़ आई. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर की पोर्ट अथॉरिटी यानी बंदरगाह अथॉरिटी के लिए पिताजी ने एक भाषण लिखा था, वो गुम हो गया था. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को तलाशा किया गया था, तलाश की गई थी कमरों की. सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, सर्वेंट जो नौकर से उनसे पूछताछ की गई, एक फाइनली अंत में जो मदर थी केजिया के रूम में आई. केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आर रूम, तो उसकी मदर कहती है कि केजिया मुझे नहीं लगता कि आपने भी हमारे रूम में कोई इंपॉर्टेंट पेपर देखा होगा, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है. ओ यस शी सेड, उसने कहा नहीं, यस उसने कहा, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो वो कहती है कि
हाँ, मैंने आपके कमरे में कुछ पेपर देखे थे और मैंने उसे सरप्राइज गिफ्ट के लिए मैंने उसे फाड़ दिया था। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई, ये क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उसकी मदर चिल्लाई कि तुमने क्या किया कि तुमने इतने इंपॉर्टेंट पेपर जो थे उसको फाड़ दिया। तो वो चीखी, उसने कहा कि तुम इसी क्षण जो है मेरे साथ नीचे वाले डाइनिंग रूम में चलो। ओके, एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू, ड्रैग्ड होता खींच के लाना जाए, किसी को घसीट कर लाना, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग, पेसिंग होता है इधर उधर घूमना, टू एंड फ्रो यानी इधर उधर टहलना, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जो उसके फादर थे हाथों को पीछे करके और इधर उधर पैसिंग यानी घूम रहे थे, टू एंड फ्रो, वेयर ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, नो नो नो, शी विस्पर्ड, मदर गोट अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, शी सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो जिसमें फैच होता है लाना भेजना, डम होता है इसे किसी को दंड देने के लिए, और उसे घसीट कर नीचे लाया गया जहाँ पिताजी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे अपने हाथों को पीठ के पीछे किए हुए। अच्छा, उसने तीखेपन में कहा, उसके फादर ने, माँ ने समझाया, वह रुका और बच्ची की ओर उसने घूरने लगा। उसके फादर, क्या तुमने किया है? जब उसके फादर जो थे गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे तो उसने शार्पली आवाज़ में कहा कि अच्छा ये तुमने किया है। तो मदर ने फिर एक्सप्लेन किया, फिर स्टॉप्ड, वह रुक गया और स्टेट द चाइल्ड की तरफ उसने घूरना शुरू किया। क्या वह तुमने किया था? वह अपनी बेटी से पूछते हैं, वो कहती नहीं नहीं, वह फुसफुसाई, धीरे धीरे वह फुसफुसाई, किया तो उसी ने था, बट उसे ये था कि जानबूझ के उसकी जो इंटेंशन थी ये नहीं थी, अंदर से तो वो यही चाहती थी कि अपने फादर को गिफ्ट देना चाह रही थी, बट बाई मिस्टेक उससे गलती हो गई, तो वो डर भी गई कि अब फादर जो है मुझे डांट लगाएंगे। माँ, उसके कमरे तक जाओ और दंड की चीज़ लेकर आओ, उसकी मदद से कहते कि जाओ और कोई दंड मान जिससे मैं इसको दंड दूँ, कोई स्किन स्टिक जो भी है वो लेकर आओ, यह देखना है कि बच्ची को इसी क्षण बिस्तर में सुला दो, भी बस बच्ची को इसी रूम, इसके रूम में लेकर जाओ, वहाँ पर लिटाओ भी, ताकि मैं वहीं पर आके इसको पनिशमेंट देता हूँ। तो स्टूडेंट, आज ये लेसन जो है हमने हाफ कर लिया है, हाफ लेसन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो जब तक इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है ये आप लर्न कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको दे रही हूँ उनको अपनी नोटबुक में रफ में या फेयर में आप राइट करते रहिए और साथ के साथ लर्न करते रहिएगा।